पल्लेदारी करा था। पल्लेदारी हाँ। क्या हुआ था? अब यहाँ से वहाँ काम करा था, पी के आते हैं घर, जो है ना अभी आवे आए के तो खान पीन अपने घर में रहे, जो है कालते भी नहीं आए तो हमको चिंता सोच रहे हाँ काल से भी। अब हमके ना पता की लगेगा कहाँ है, तब ना आज ही बैठा है रात को। सूचना दी इसकी? नहीं दिए। क्यों पुलिस को अभी तक? हाँ नहीं दिए भाई। अब आए क्या कहता है तो हम अब नहीं आए घरे तो हम अब जो है ना आधी रात पूरी रात जागे नहीं आए भाई। अपन पति यही तो हम चाहे कैसा हुई तो हम तो हेरब तो है ये सजा ही हुई तब है ना। जब भाई गलत करे हैं तब सजा ही न हो। कल वीडियो वायरल हुआ है एक उस पे सोशल मीडिया पे। अब वो जब वीडियो जारी हुआ तो हमारे यहाँ घर में पुलिस आई, इतनी फोर्स आई जैसे कि हम मतलब कितना बड़ा अपराध किया है। हम लोगों के साथ बड़ी जाति हुई, महिलाओं को घर से पकड़ के निकाल दिया गया, हम भाइयों को लेकर थाने चले गए, घर से महिलाओं को निकाल के पूरे अंदर तलाशी लिए। हमारी मैडम का अभी भी हमारे मैडम का वो शिक्षिका है, उनका पूरा उस पर विभाग का व्हाट्सएप पर वो चलता है, शिक्षा विभाग का कार्यक्रम। आज भी पुलिस के हैंड ओवर में हमारा मोबाइल, हमारे मैडम का मोबाइल नहीं दिए। और महिलाओं के साथ जाति के ढाई तीन साल की बच्ची थी उसको भी नहीं छोड़े और थाने पे ले गए। हमारी वो छोटी सी बच्ची दूध की बाहर मर रही थी, उसको ना दूध की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की। पूरे परिवार हम लोग 4 बजे हम लोग लौट के आए। इतनी बड़ी जाति, क्या इतना बड़ा अपराध किया? और वो आप लोगों के सामने वो जरूर आएगा मैटर, वो जो प्रताड़िता है जिसको बाथरूम का वो मैटर दिखा रहे हैं वो डिनाइड कर रहा है कि हमारा वीडियो नहीं है, हमारे ऊपर ऐसा नहीं किया गया है, ये झूठा है। ये दीनदयाल और आदर्श शुक्ला हमारे घर गए थे, बोले कि तुमको पैसा मिलेगा, हम लोग पैसा देंगे, तुम प्रवेश शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ कि हमारे ऊपर बाथरूम की, हमारा ही वीडियो है। लेकिन वो नहीं कह रहा है। अब यह कि पुलिस कैसे उसको पेश करती है ये भगवान जाने, लेकिन सत्यता यह है कि वो डिनाइड कर रहा है। और मैं भी ये भी कहता हूँ, पिता होने के नाते मैं पितृमोह की बात नहीं कर रहा हूँ सर, न्याय की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा उसका जांच होनी चाहिए, अगर सत्यता है तो उसको फांसी दे दी जाए। हम पितृमोह में नहीं है कि अगर हमारा लड़का ऐसा किया है, लेकिन जांच होनी चाहिए, उस वीडियो की बारीकी से जांच होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं कह सकती इस सब चीजों के बारे में, लेकिन परिवार को उसमें बीच में घसीटा ना जाए, हम लोग को बेघर ना किया जाए। मेरी छोटी सी बच्ची है, हम उसमें मेरा दोष क्या है ये बताइए, परिवार वालों का क्या दोष है? आप लोग थाने लेके गए? हाँ गए थे। कितने बजे लेके गए थे? कब छोड़े? 8 फुट के बीच में ऐसे लेके गए हैं और हाँ 3 बजे हम लोग आए हैं, 3:30 उनके बीच में। अच्छा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है कि घर पर बुलडोजर चलेगा, इसमें आप क्या कहेंगे? सर ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जुर्म तो वो किया है, अपने आप को सरेंडर भी कर दिया है और वो अपना छान भी कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्यों जाएं? हम लोग घर बिन कहाँ जाएंगे? हम लोग छोटी सी बच्ची लेके कहाँ जाएंगे ये बताइए आप।